अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। ये सेवन ट्यूटोरियल है लोकल एसईओ सीरीज़ का। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह रिव्यूज़ ले सकते हैं अपने गूगल लोकल बिजनेस लिस्टिंग के लिए। तो 7 तरीके हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इसके अलावा भी होंगे, लेकिन अगर ये आप यूज़ कर लें तो आप फ्री काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास वो चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला तरीका है और जो हर कोई बंदा कर सकता है, वो ये कि आस्क योर फेसबुक फ्रेंड्स फॉर अ रिव्यू। मतलब जो जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनको आप लिंक सेंड करेंगे अपने बिजनेस का, कि वो उसके ऊपर आकर रिव्यू दें आपको। उसके बाद यूज़ योर यूट्यूब चैनल ऑडियंस। आप उन्हें वीडियो में भी कह सकते हैं, कोई इसके ऊपर वीडियो बना दें और कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, या कम्युनिटी टैब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक पेज अगर आपका है तो वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं कि आपको, अगर आपका बिजनेस का पेज है, आप अपने यूज़र्स को कहें कि वो आपको रिव्यू दें। आप इसके बदले उन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं या कुछ और चीज़। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट की ऑडियंस है, उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई वेबसाइट की ब्लॉग पोस्ट हैं जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक आती है, तो वहाँ पे नीचे आप इम्बेड कर सकते हैं, कोई बटन लगा सकते हैं जिसके ज़रिए लोग आपको रिव्यू दे सकें। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप अगर आपका कोई है तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप का कोई ग्रुप हो तो वहाँ पे आप पोस्ट करके रिव्यू ले सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास कोई ऑडियंस लिस्ट है तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं कि वो आपके बिजनेस को रिव्यू दें। तो ये तो हो गए 7 फ्री तरीके। उसके बाद पेड के जो तरीके हैं वो 2 हैं। तो पेड के लिए जो चीप तरीका है वो ये है कि आप फेसबुक ब्लॉगिंग ग्रुप्स में जाएं और वहाँ पे लोगों को कहें कि मतलब आप मुझे रिव्यू चाहिए, एक रिव्यू के बदले मैं इतने 100 रुपये दूंगा। तो रिव्यू तो कोई भी दे सकता है, तो वहाँ से आपको रिव्यू मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप टारगेटेड रिव्यू चाहते हैं, मतलब अगर आप यूएसए या किसी और कंट्री के रिव्यूज़ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेबसाइट से परचेज़ करने पड़ेंगे। तो ये कुछ बड़े फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उनकी लिस्ट है जहाँ पे आप पोस्ट करके और लोगों से रिव्यू बाय कर सकते हैं। पहले नंबर पे एजेंडा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स। तो इन ग्रुप्स को अगर आप फेसबुक सर्च में सर्च करेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। उसके अलावा ये एक वेबसाइट है बाय सर्विसेज यूएसए, यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलें अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिंक कॉपी करेंगे। यहाँ पे शेयर रिव्यू फॉर्म, लिंक कॉपी किया और इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये शॉर्ट लिंक्स होता है जिसे हम कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके गूगल का बग है। मैंने लीम इकबाल ऐसे को टेस्ट किया, वो वर्क कर गया और इसका नहीं कर रहा। और हो सकता है ये 1-2 दिनों तक करने लग जाए, शायद न्यू बिजनेस है इस वजह से भी हो सकता है। वैसे थोड़ी देर पहले कर रहा था, ट्यूटोरियल बनाने से पहले एक दफ़ा मैंने इसे टेस्ट किया था, तब कर रहा था। लेकिन अब शायद इसे कोई मसला बन गया जिसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा। तो इसका भी एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, वो है ये गैदर अप। तो हम करेंगे इस तरह के एसईओ सर्विसेज। अच्छा, तो ये हमारा बिजनेस है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें लिंक क्रिएट करके दे देगा। लिंक हम टेस्ट कर लेते हैं।
तो लिंक आप देख सकते हैं कि सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसे लिंक शॉर्टनर में ऐड करेंगे। यहाँ से क्रिएट, अगर तो दूसरा लिंक वर्क कर रहा हो तो वही सबसे बेहतरीन चॉइस है और वो ऑलरेडी शॉर्टन हुआ होता है, तो आप उसे बेहतर यूज़ करें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिंक रिव्यू। अब यहाँ से मैं ओपन करूँगा अपना फेसबुक का पेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नीड योर हेल्प फॉर नेक्स्ट। यहाँ पे एक फोटो लगा देते हैं साथ, थोड़ी अट्रैक्शन हो जाए। और अपने जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी मैं कर लूँगा पोस्ट। अब उसके बाद मेरा एक पेज है, मार्केटिंग। उसके बाद पेज पे भी पोस्ट हो गया। अब जाते हैं इधर कम्युनिटी टैब में, यहाँ से इमेज सेलेक्ट की। यहाँ पे भी पोस्ट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ कम्युनिटीज में भी शेयर कर सकता हूँ। वैसे आप लोगों में से अगर किसी ने ज्वाइन किया तो वो करे ना, क्योंकि ये हमारे टर्म्स के ख़िलाफ़ है, और अगर आप टर्म्स के ख़िलाफ़ जाएंगे तो मजबूरन आपको बैन करना पड़ेगा। बस मैं भी करता नहीं हूँ, लेकिन ये ट्यूटोरियल की वजह से मैं कर रहा हूँ, तो रूल्स को फॉलो कीजिएगा। तो मैं इसे पोस्ट कर दूंगा अपनी इन कम्युनिटीज़ में। तो मैंने काफ़ी ग्रुप्स में शेयर कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं रिएक्शन क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ आने शुरू हो गए हैं। अब एक एक करके इन सब का रिव्यू देंगे।
अच्छा जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद ईमेल के लिए, अगर आपके पास ऑडियंस है मेलचिंप वगैरह पे, लेकिन वो रेलिवेंट होने चाहिए, कोई भी किसी दूसरी नीच की जो ऑडियंस है वो आपके लिए कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी, मतलब लॉयल होनी चाहिए आपकी। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्किल्स एकेडमी की ऑडियंस है उन सब के मेल्स डाउनलोड करके करूँगा, तो मुझे उम्मीद है उनमें से कम 50-60% जो हैं, क्योंकि वो रेलिवेंट हैं, तो वो ज़रूर करेंगे। तो इस तरह करके अगर आपकी फेसबुक की ऑडियंस या जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके ईमेल हों तो आप उन्हें करेंगे, तो वो ज़रूर उसके ऊपर अमल करेंगे। उसके बाद पेड रिव्यूज़ में बेसिकली होगा ये कि आप ग्रुप में जाएंगे, सॉरी, गूगल रिव्यूज़, अच्छा जी ये देखें, ये $100 में मिल रहे हैं, 20। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लें, यहाँ से जियो टारगेटेड। तो आप देखेंगे कि ये आधे घंटे तक कम से कम 300-400 इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बन जाएंगे। तो इसी के साथ आज के ट्यूटोरियल का इख्तिताम। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया, पोस्ट आपने इस तरह करना है, लुकिंग फॉर पेड गूगल रिव्यूज़। काइंडली मेंशन योर प्राइस या फिर आप कह सकते हैं पेइंग 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या जितने भी आप पे करना चाहें पर रिव्यू। तो जो लोग रिव्यू देने के लिए तैयार हैं वो आपको रिव्यू दे देंगे। यह बेहतर है कि आप एक वीडियो बना के भी साथ अटैच कर सकते हैं कि रिव्यू किस तरह देना है, ताकि जो न्यू बाइज वगैरह हैं वो भी रिव्यू दे पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह हाफिज़।